तो मैं अभी रथ यात्रा का जो वीडियो है वो आज शेयर कर रहा हूँ, क्यों मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था, फिर भी मैंने इस वीडियो को रथ यात्रा के दिन ही किया है प्ले। तो ये जो ये मंदिर देख रहे हैं, पहले बता दूँ इस वीडियो में जो भी दिखेगा वो मैंने नहीं बनाया है, बस वो सब भगवान ही मैंने बनाया है, जो जगन्नाथ जी का मॉडल है, मेड बाय रुद्र प्रताप बागारती। इनको मैं सपोर्ट करता, ये और भी अच्छा बना सकेंगे। तो आज है अभी नपुंसक दर्शन, तो ये पहले हम लोग जो परिक्रमा करेंगे अरुण स्तंभ का, और अभी और ये रथ भी मैंने नहीं बनाया। तो अभी हम लोग गेट खोल देते हैं, तो ये देखिए नवमंजन दर्शन। तो ये जो गेट के ऊपर है, ये मूर्ति जो देख रहे हैं ना, ये डिज़ाइन मैंने किया है, जस्ट मंदिर जो वो उसने बनाया, नहीं तो सब ये उसका ही है, बस मूर्ति और जितने भी भगवान जैसे दिखेगा भगवान के मॉडल्स वो सब मैंने बनाए होंगे। तो ये जो तीसरा सीढ़ी, इसमें वो यम देव का प्रागट्य है वो है। फर्स्ट में मैं आपको इधर का किचन का दर्शन करा दूँ, और मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग कोई कॉपीराइट मत देना, ये मैंने नहीं बनाया। तो हम लोग डायरेक्ट अभी आएंगे इधर, असली में तो ये बहुत ही बड़ा होता है, और ये कुआ है, इधर से खाने का पानी, मतलब खाने के लिए जो पानी होता है इधर से लिया जाता है। तो ये तो वर्ल्ड का मतलब एशिया का सबसे बड़ा किचन है, फिर भी इधर जो गेम में है ये उतना भी बड़ा नहीं है। और मैं बोल दूँ, मैं एक जगन्नाथ जी का टेंपल बना रहा हूँ, वो बहुत बड़ा होगा, तो उसमें किचन बहुत बड़ा होगा। तो मैं इस साइड का दर्शन कराऊँगा, हम लोग अभी आनंद बाज़ार जहाँ पर स्नान होता है उधर का दर्शन कराऊँगा। तो ये देखिए, ये जो आनंद मंडप है, आनंद मंडप का इधर मतलब इधर सब प्रसाद मिलता है भगवान के लिए, इधर हाथ धोने के लिए पानी पीने के लिए जगह है, और इधर भगवान आते हैं और स्नान करते हैं। तो इधर तो रथ सब खड़ा हुआ है, रथ में भी भगवान नहीं है। और ये जो आप खाली जगह देखते हैं ना, ये मैंने देखा नहीं था, नहीं तो तभी फील कर देता। इधर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं इधर प्लेस कर दिया हूँ। तो ये दो ब्लॉक उस किसी ने थोड़ा होगा, तो ये देखिए बड़ा स्नान मंडप है, तो इधर बलराम जी बैठते, इधर सुभद्रा जी, इधर जगन्नाथ जी और इधर सुदर्शन जी। तो ऐसे करके उनका स्नान पूर्णिमा, थोड़ा सा लैग कर रहा है गेम, स्नान पूर्णिमा मनाया जाता है। ये पूरा आनंद बाजार है, इधर खिचड़ी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये एक शिव जी का मंदिर है, फिर भी मैंने इधर शिवलिंग स्थापित नहीं किया, ये खुल नहीं रहा है, तो मैं उसको बाद में तोड़ के खोल दूँगा। और ये दिखा दूँ, ये है आनंद पंचतीर्थमय कुआ, इधर गोल्डन वेल लिखा हुआ है ना, इधर से जब स्नान यात्रा होता है तब इधर से पानी उठा के लिया जाता है ये स्नान मंडप में, उसको एक दिन पहले अधिवास किया जाता है। तो इतना स्टोरी तो मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको आज का मंदिर का ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ, और कल मैं आपको शेयर करूँगा। और ये नवमंजन दर्शन, ये भोग मंडप है, तो इधर से हम लोग अभी जाएंगे नहीं, हम लोग नाट्य मंडप से घुसते हैं। और ये वाला रास्ता है ना, ये वाला, ये किचन से होता है,
अब इधर से किचन से भोग आके डायरेक्ट इधर जाता है, और ये इधर का ऊपर जाने का हम लोग भोग वंडे में पहुंच जाएंगे। हम लोग अभी ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं तो हम ये वीडियो ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। हम लोग अभी नाट्य मंडप से जाएंगे, अंदर घुसेंगे, एंट्री लेंगे। तो इधर से भगवान जी जाते हैं रथ यात्रा के टाइम, फिर भी रथ यात्रा के टाइम एकदम सीधा जाते हैं। तो हम लोग ये वाला रास्ता चुन लिए, तो ये वाला रास्ते से आप इधर पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको लक्ष्मी जी के दर्शन कराता हूँ। तो ये देखिए लक्ष्मी जी, ये लक्ष्मी जी का टेम्पल है, मंदिर के अंदर भी एक लक्ष्मी जी का है। तो हम लोग फिर से घूम के नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ही चले जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग इधर से भगवान का दर्शन, जिन्होंने बनाया है ना वो थोड़ा सा मतलब इधर से दर्शन होता है, भोग मंडप से ही दर्शन होते हैं। ये वाला जगह को ऊंचा कर दिया, मैं बस भगवान बना दिया और कुछ नहीं देखा, उसका कोई प्रॉब्लम मैं ठीक नहीं किया। तो इधर से हम लोग अभी घुसेंगे एकदम अलग संध्या का टाइम इधर तक आने देता है और उसके आगे दर्शन नहीं करने देता है, क्यों अंदर गर्भगृह है ना। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लॉक से किया है, क्यों आज रक्त यात्रा होगा, निकलेगी नहीं लिखने गया ना तभी होगा। ये लक्ष्मी जी इधर भी है, मैंने ये मॉडल सब मैंने ही बनाया है। और ये मदन मोहन आपको देख के उतना भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, तो ये माइनक्राफ्ट है, उसमें तो हम लोग छोटा छोटा मॉडल्स नहीं बना सकते ना, तो इसलिए। तो इधर अभी उनका स्नान हो चुका है सब कुछ, तो अभी थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे। तो मैं पूरा तो अभी मंदिर का व्यू दिखाता हूँ, क्यों वीडियो अभी लंबा हो ही रहा है, बहुत ही बात आपसे 7 मिनट का हो रहा है, कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। सब अभी इस टॉपिक में जो भी वीडियो होगा ना वो सब लंबा होगा। तो इधर से राधा मोहन मंडप, उसके बाद राधा वल्लभ मंदिर, और भी बहुत सारे मंदिर से इधर से हम लोग इधर ना भोग खरीद के खा सकते हैं। इधर से भोग मंडप भोग जो बकता है ना वो इधर से बनता है। और ये भगवान जी का उपवन है, नहीं उपवन तो उस साइड है, इधर भगवान जी को ना गाड़ा जाता है, इधर भगवान जी को जब नवकलेवर होता है गाड़ा जाता है। और ये एक मंदिर का ध्वज है, और ये भी मंदिर है, ये मुझे उतना भी अच्छे से। और इधर एक तालाब है कि सब मतलब बहुत ही शुद्ध तालाब है, इधर बहुत कुछ होता है। तो क्यों मैं तो उड़ीसा से नहीं हूँ ना, तो वेस्ट बंगाल से, फिर भी मुझे पता है। तो ये मैं दिखा दूँ, ये मुझे नहीं पता क्या है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर एक मंदिर है और इसमें भगवान नहीं है, तो मैंने बस जगन्नाथ जी का लक्ष्मी जी का ही दर्शन कराया है। और इधर और दिखाता हूँ, ये शिव जी का मंदिर है, और एक ये गणेश जी का मंदिर है, इसमें भी आपको मादी बेली बेले बेमाला बिमला ये बिमला टेंपल है सॉरी ये बिमला टेंपल है, पर मूर्ति नहीं है, मैं आने के टाइम में लगा दूँगा, क्यों मैं मेरा तो खुद का नहीं है ना, ये तो मैं नहीं बनाया हूँ। और ये है मुक्ति मंडप, इधर एक भगवान स्थापित है। तो चलो मैं अभी बाहर जाता हूँ। और इस गेम में गुंडीचा मंदिर भी है, फिर भी वो मैंने नहीं बनाया, मैं सोच लो आप मैं कुछ भी नहीं बनाया उसमें, बस मूर्ति के अलावा। तो अभी आज के लिए इतना था, कि तो के लिए बाय बाय, और मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में रथ यात्रा स्पेशल।